बघा जास्त वेळ खर्च करू नका, तुम्हाला विनंती असेल बॅटर देखील आले टीम वडूनगर संघाला विनंती असेल, आपण क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे. बघा यानंतर तुम्हालाच बॅटिंग करायची आहे, या अनुषंगानं देखील तुम्ही विचार करू शकता की आपल्याला लवकरात लवकर षटक कंप्लीट करायचे आहे. दोन षटकांची मॅच आहे आणि 12 चेंडू आपल्याला लवकरात लवकर संपवायचे आहेत. अगदी आपल्याला लवकरात लवकर मॅच फिनिश करायची आहे. सो तुम्हाला विनंती असेल की आपण वेळेबाबत थोडंसं सहकार्य करा. वडूनगर संघ आपण क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे आणि टीम साविंद्रा संघ आपण थोडंसं जलद गतीने मैदाना खाली करायचं आहे. तो चलिए बात करें, दो भर का मैच है तो शायद दोनों टीम ने यहाँ पर पसंद किया है दो भर खेलना. तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको अफजाई नहीं है, आपको अगर दिक्कत नहीं है तो दिक्कत है, हमें भी नहीं है. तो देखते हैं सेकेंड इनिंग में कितना दिक्कत करना पड़ेगा. सन्माननीय भगवानजी म्हात्रे साहेबांचं शुभागमन झालंय. दादांना विनंती, आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. भगवानजी म्हात्रे आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. या मॅचच्या दिशेनं गोलंदाज सज्ज झालाय. पहिला षटक पहिला बॉल या मेगा फिनाले मॅचचा. फायनल मुकाबला जहां पर तो चलिए यहां पर टॉस का बॉस बात करेंगे. तो यहां से गौरीपाड़ा टीम देखिए टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुने हैं. ये साइड बसा तुम, ये साइड ला, नेटवर्क तो कमजोर है, नेटवर्क कमजोर है उनका, ये साइड बसा. जान दो, हो गया, जान दो कर दूंगा. तो चलिए बात करेंगे, गेंदबाज तैयार रहा. और ये चलिए भाई, पिछली मैच में ये बल्ला थोड़ा सा देर आया था लेकिन इस बार देखिए मैदान पर उतरने के साथ देखिए कहते हैं ना भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तवाई 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 तवाई. म्हणजे म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत. बट अगदी धुमधडाक्यात या इनिंगची सुरुवात झाली. षटकार नाही, बिलकुल रवी म्हात्रे पिछली मॅच में गलती किए थे, अपने आप को पीछे रखे थे, इसलिए देखिए वो अपने आप को इस बार माफ नहीं कर रहे हैं. अपरा उस आग को गल रहे हैं. अपरा छक्के दागने के बाद सिंगल है. विशाल क्या कहना चाहोगे, दूसरे का मैच है क्या, सेकेंड इनिंग में कुछ दिक्कत आ सकता है यहाँ पर फील्डिंग वाली टीम को. बघा अगदी जर फर्स्ट इनिंग वेळेवरती कव्हर झाली तर कदाचित येणार नाही, कारण दोनच ओव्हरची मॅच आहे आणि सुरुवात देखील इथं चांगली झाली. धावफळ कथा 8 ओव्हरती, जर 2 षटकामध्ये 20 ते 25 बनवला गेला तर या क्लायमॅटमध्ये देखील एक मॅच विनिंग टोटल आहे. हेमंतने देखिए पिछली मॅच में 2 बढिया छक्का लागे थे भाई, इस बार देखिए उन्हें फ्लाइट किया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है. यहाँ पर जय सुनो भाई, देखिए बात करेंगे वडूनगर टीम है, बहुत बढ़िया काम करते हुए, जितना भी तारीफ किया जाए उतना ही कम. यहाँ पर भलाई छक्के खाने के बाद अच्छी कमबैक, थैंक यू. बघा अगदी एक गोष्टीचा उल्लेख नक्की जर करावा असं मला वाटतो, विशेष आभार व्यक्त करेन लुंबारामजी राठोड दादांचं, कारण अगदी भरपूर चांगलं प्राईस त्यांनी दिलं. शिवाजी महाराजांच्या 2 प्रतिमा त्यांनी पुरस्कृत केल्यात विनिंग टीमसाठी आणि तसेच रनर्स अप टीमसाठी. मॅचच्या दिशेने जाऊया, पुल लंपा वाफोल, फलंदाज रवी म्हात्रेला थांबवणं कठीण, आणखीन एक मोठा फटका, षटकार. अगर टीम का स्कोर को पहुंचा 15 रन आ लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है. सामने तेरा बात करेंगे गौरीपाड़ा टीम का बाहुबली खड़ा है, एक ताकतवर बैटर से हम. और पिछली मैच में देखिए इनकी खामोशी, कहते हैं ना शेर की खामोशी, रवि म्हात्रे की बल्लेबाजी पे कभी शक मत करना. पिछले मैच में देखिए हल्के में ले लिए थे, अपने आप को पीछे रोके थे और उसका बहुत बड़ा कीमत. और यहां पर देखिए विकेट है, बढ़िया कमबैक. देखिए बात करेंगे यहां पर भलाई रन खाए गेंदबाज ने लेकिन आखिरकार सफलता लेकर वापस लौटे. यहां पर पहला ओवर का खेल कंप्लीट होने के साथ साथ 15 पर 1. सर न्यू बैटर लगेच पाठवा विनंती असेल.
म्हणून वगैरे आपण फिल्डिंग लावून ठेवायची आहे. पहिल्या षटकाची देखील इथे समाप्ती झाली. 15 धावा धावफलकावरती एक विकेट देखील गेली. मी 20-25 उल्लेख केला होता आणि तिथपर्यंत पोहोचू शकतात बिकॉज फर्स्ट ओव्हरमध्ये 15 इथं बनवला गेला. अजून देखील 6 बॉल चा खेळ बाकी. नवीन फलंदाज मैदानात मध्ये येतोय मयूर. नहीं बैटर देखिए मयूर पहुंचे हैं लेकिन हेमंत देखिए लाजवाब बल्लेबाजी किए थे पिछले मैच में. देखिए दो लगातार एक ही ओवर में समाप्त हो जाएगा लेकिन वो मुकाबला देखिए बात करेंगे. आखिरी गेंद तक पहुंचा था भाई. एक पर एक बालकुम टीम है. भलाई मैच हारा लेकिन दिल जीता. ट्रॉफी खिताब लेकर जाएंगे लेकिन क्यों नहीं डिबेट टीम देखिए बात करेंगे. आज थोड़ी सी निराश रहेंगे. पूरे दिन भर पर मेहनत है. लाजवाब देखिए गोरीपड़ा टीम देखिए ऑन दी टॉस डिसाइड टू फर्स्ट बैट और बैटिंग लेने का कारण यही है जो कुछ रोशनी मिल रही है उस रोशनी में तूफान मचाया जाए. यहाँ पर देखिए और एक सिंगल आएगा यहाँ पर हम और सिंगल के साथ साथ देखिए दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग और यही काम करनी होगी आपको. कहते ना लोहा का चना चुबाओगे तो दांत टूटेगा. तो अच्छी फील्डिंग आपको करना होगा अगर कुछ रन बचाना है. पहला ओवर में देखिए 15 रन आया. एक सफलता हाथ लगी बड़ी मछली लेकिन उसके बाद देखिए सेकेंड ओवर में इसलिए कहा जाता है कि सड़क कितना भी साफ हो धूल होता है जरूर. बैटर कितना भी बड़ा हो गलती करता है जरूर. एक रन देखिए यहां से और अंपायर का इशारा यहां पर नो बॉल. स्टेप मिस किए देखिए बात करेंगे. लाइन मिस करके चले गए और नो बॉल फ्रीट यानी खाओ पियो बिल ना चुकाओ. स्कोर की बात करेंगे यहां पर 18 रन. और ओवर की देखिए अंतिम बची है यहाँ से गेंद की बात करेंगे ना अभी भी देखिए 5 गेंद करनी होगी भाई. कहीं ये स्कोर 30 के करीब पहुंच गया फिर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा. विकेट के जड़ में गेंद रखे थे भाई. एक गलती थी लेकिन उसके बाद देखिए गलती को संवारते हुए विशाल क्या लगता है आपको 25-30 बन जाए तो बेहतर कहा जाएगा क्या? एक्झॅक्टली ज्या गोष्टीचा उल्लेख मी केलाच होता की अगदी 20-25 पर्यंत पोहोचलं तर एक मॅच विनिंग टोटल देखील या क्लायमॅटमध्ये आपण म्हणू शकतो. धावफळकात 19 वरती आहे. अजून देखील 4 बॉलचा खेळ बाकी. धीरजचा पुढचा बॉल. धीरजचा बॉल प्रथम डिलिव्हरी बँग ऑन टार्गेट यॉर्कर. चलिए नॉस्ट्राइक के देखिए हेमंत नाखुश हैं पूरी तरह से. मयूर से यही बता रहे हैं भाई तू पान खा जुल्फे बना शराब पीना छोड़ दे भाई. चौकी लगा छक्का लगा सिंगल चुरा लेकिन डॉट गेंद खेलना छोड़ दे. डॉट गेंद बहुत बड़ी कीमत चुकाना. और एक देखिए भाई डॉट गेंद. वाह रे वाह धीरज की देखिए क्या गेंदबाजी भाई. ये तो यहाँ पर गेंदबाजी धीरज ही नहीं बहुत अच्छी. देखिए सफल हुए बैटर. गुडलेंस पर देखिए बात हल्की सी कांटा बदल रही है. क्या बढ़िया गेंदबाजी. इस बार मौका था भाई. आवाज तो आया था क्या कैच तो किया था यहाँ पर बैट से. देखिए एक रन आता हुआ. आवाज बहुत बड़ा एज लगाता है यहाँ से और कुल स्कोर 20 रन. और कहीं ना कहीं ये ओवर बहुत अच्छा है. देखिए विशाल निकलता हुआ. पहला ओवर में 15 रन खर्च कर दो. सेकेंड ओवर में देखिए 5 गेंदों पर अभी तक 5 रन खर्च किए हैं भाई. यहाँ से तो चाहेंगे आखिरी गेंद के ऊपर कक्कर पत्थर मत मारो सीधा पहाड़. कहते हैं ना अगर समंदर को शांत दिख कर ये मत सोचिए उसमें जान नहीं है भाई. हेमंत ओ हेमंत को भी शांत किया. क्या कमाल की गेंदबाजी. तालियां तो बजनी चाहिए भाई. लाजवाब देखे एक ओवर 5 रन. विशाल क्या कहना चाहोगे पूरी इनिंग 20 रन 21 के टारगेट. यस धीरज धुमाले अप्रतिम गोलंदाज. आणि या मेगा फिनाल मॅच मध्ये गेली काय गोलंदाजी त्याची राहिली कारण संघ अडचणीमध्ये होता आणि अडचणीमधून आता धीरजने आपल्या संघाला बाहेर काढलं कारण अंतिम षटकामध्ये फक्त त्याने खर्च केल्या धावा फक्त 5-21 धावांचं लक्ष लगेच टीम गौरीपाडा फिल्डिंग लावून घ्या. आपल्याकडे वेल के मी लगेच फिल्डिंग लावा. चलिए यहाँ पर मेहमान भी देखिए हमारे मौजूद हैं और खास करके देखिए बात करेंगे ना प्राइस सेरेमनी देखिए बात करेंगे. मेहमानों के हाथों से दिया जाएगा और अभी तक देखिए हम देख सकते हैं 21 की जरूरत है 21 टारगेट्स. हेलो चीन बात करेंगे जो मंडप मालक. लाइट अभी मत जलाइए लेकिन तैयार में रहिए. आदरणीय भगवानजी मात्रे साहेब उपस्थित आहेत त्यांचा शुभ सन्मान आपण करणार आहोत. मच्छिंद्र दादांना विनंती करतो की आपला शुभ असे भगवानजी मात्रे साहेबांचा शुभ सन्मान करायचा आहे. मी दादांना विनंती करतो की आपण पुढे यायचं आपलं स्वागत सन्मान स्वीकारायचं आहे. अल्पेश केने देखे इस बार थोडा सा उदास चेहरा दिखाई दे रही है क्योंकि ये चेहरा हमेशा चमकता हुआ
और शायद मुझे लग रहा है जो 13 मार्च से देखिए बात करेंगे मामा टॉफी की, देखिए बात करेंगे लाडला आयोजक, देखिए बात करेंगे इंदर मामा, देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए बहुत बहुत हर मेहमानों का देखिए सम्मान भी यहाँ से किया जा रहा है। आदरणीय भगवान जी मात्रे साहबांचा शुभ सन्मान मच्छिंद्र दादांच्या शुभ हस्ते केला जातो। चला ओपनिंग बॅर लगेच पाठवा, शुभ सन्मानित केला जातो अगदी महत्त्वाची उपस्थिती साहबांच्या स्पर्धेमध्ये आहे। पुन्हा एकदा साहबांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, जाऊया माझ्या दिशेने। 12 बॉल 21 धावांची आवश्यकता, 21 का टार्गेट है, तो देखते हैं ये टार्गेट कितना आसान बनेगा कितना मुश्किल बनेगा। शाम का अंधेरा किसकी जिंदगी में उजाला लेकर आएगा, चांद का रोशनी छोड़कर जाएगा और किसकी जिंदगी में अंधेरा कायम रह जाएगा, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है उड़ू नौगढ़ टीम के बैटर इतना समय क्यों ले रहे हैं, जब अंधेरा आपको अंतिम 3-4 गेंद में छा जाएगा फिर उस समय आप ढूंढते रहोगे उजाला को, लेकिन आपको उजाला देने के लिए कोई नहीं आएगा। जो भी रोशनी बची है आप बल्लेबाजी कर लीजिए, क्योंकि जब अंधेरा करीब आती है ना तभी आपको उसका अंदाजा कि कहते हैं ना इस पृथ्वी में देखिए हर चीज है ना अपनी ताकत से राजा कहलाता है, तो जब शाम का अंधेरा यहाँ पर तेजी से आ जाएगा। अभी तक देखिए 21 के टारगेट है, पहला गेंद वाइड का इजाफा, बिन पायल से बची घुंगरू। शुरुआत इतना थोड़ी सी खराब झाली, एक एक्स्ट्रा रन ने शुरुआत इतना के लिए जाती है। 12 बॉल 20 धावांची आवश्यकता। धीरज धुमाले आणि त्यांच्या समेत घनश्याम पाटील ही जोड़ी मैदान आतमध्ये। सरपंच ट्रॉफी में देखिए दर्शक खचाखच, 10,000 से ज्यादा मैच का ले रहे हैं सनसनी। धीरज दादा धुमाल देखिए बात करेंगे, निजाम दादा चौधरी आणि विवेक दादा मात्रे दादांच्या माध्यमातून धीरज धुमाले साठी सिक्सर हॅट्रिक साठी 1,000 दिले जातील। क्या बात है, यहाँ पर देखिए 3 छक्के लगाएंगे तो मैच भी फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हवा में गेंद बाउंस लिया और चौका देकर गया भाई। चौकारी तो मिलते चला जास्त वेल नहीं है, लगे मैच स्टार्ट करा। मैं बोला था 16 धावांची आवश्यकता, मैं बिल्कुल विशाल देखिए इस चौके ने मैच को धीरे धीरे खोल रहा है। 10 गेंद देखिए 16 की जरूरत है, भला हैट्रिक के छक्के के लिए यहाँ पर इनाम लगे। ओ तीखा यहाँ पर बाउंसर देखिए, सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर रहा, और गेंद सर के करीब जाए तो तीखा बाउंसर भाई। पिछला गेंद पर चौका लगा था और उसके बाद देखिए जवाब मिला भाई। कहती है ना झूला जितना आगे भी जाता है उतना पीछे भी आता है, की जरूरत है। यहाँ पर गेंदबाज तैयार है, ओ बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज और एक डॉट गेंद, क्या बढ़िया कॉम्बैक देखिए यहाँ से गौरी पड़ा टीम। देखिए यहाँ पर दीपक, देखिए यहाँ पर कहते हैं ना हर दीपक के तले एक उजाला होता है, और दीपक ने देखिए यहाँ पर उजाला दिलाते हुए। 8 गेंद 16 की जरूरत है, और गेंद आपको कम दिखेगा आप जितना चर्चा करोगे यहाँ से। येस सध्याच्या घडीला टीम गौरीपाड्याचा दीपक चमकरा ही गोष्ट आपण नक्कीच म्हणू शकतो। 8 बॉल 16 धावांची आवश्यकता। पुल केला ऑन साइडला, बॉल अवे मध्ये, पुल पॉवरफुल, बॉल जाईल डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। याच तर फटक्याची आवश्यकता होती टीम वडू नगरला, आणि तो फटका येतो घनश्याम पाटीलच्या बॅटमधनं, षटकार। बहुत बढ़िया छक्का, देखिए यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर 7 गेंद, अभी देखिए जीत के लिए 10 की जरूरत है। और विशाल कहते हैं ना शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है, तो उसी तरह से देखिए एकाक चौके छक्के से मुकाबला करीब आता हुआ। गेंद बचा है 7, लेकिन जीत के लिए चाहिए 10। कुछ समय के बाद मुझे पनवेल के लिए पकड़ना पड़ेगा बस, लेकिन यहाँ पर जीत के लिए चाहिए 10। बचा है गेंद, देखिए यहाँ पर 7 है, मैच में बचती हुई सनसनी, और ये चलिए, अरे कुड़ाया, वाह वाह, गिली 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 चंपा खुश हुई, रंबा गेंद गया लंबा, ठुकुम ठोक डीजे। अरे डीजे गेंद 4 की जरूरत है। घनश्याम ने यहाँ पर लिपटा दिया, बढ़िया अपने काम यहाँ पर है। हैट्रिक छक्के के लिए कुछ यहाँ पर इनाम था निश्चित रूप से,
चलिए फील्ड खोल दीजिए, यहाँ से थोड़ी सी खलीबली मच रही है भाई, दोनों टीम ने पसंद तो खेलना यहाँ पर, और यही बात कर रहा था कि समय ज्यादा मत लीजिए। क्या यहाँ पर धीरज है, मेरे हिसाब से शायद धीरज के लिए शायद है इनाम, शायद तीन छक्के के लिए था यहाँ पर, लेकिन छक्का यहाँ पर घनश्याम ने दागे, कोई बात नहीं, छह गेंद चार की जरूरत है। चलिए वक्त क्यों लिया जा रहा है, लीजिए भाई। और एक देखिए यहाँ पर सिंगल आएगा, और घनश्याम देखिए स्ट्राइक पर आता हुआ, कहते हैं ना राज जब आता है तो सितारे मुस्कुराते हैं, और घनश्याम स्ट्राइक पर आने के साथ साथ उनके समर्थक देखिए तालियों की बारिश करते हुए, जानते हैं घनश्याम अभी बड़ा कुशल मोमेंट में, दो छक्का लगाने के बाद है, अभी भी पांच गेंद तीन की जरूरत है भाई, पिछला मैच को मत भूलिए, कोई भी जीते या हारे लेकिन अंदर जा सकता है, आखिरी मैच है भाई यहां पर, कोई भी जीते हारे लेकिन मैच कंप्लीट होने के बाद अंदर जाइए भाई। ओ, ये देखिए टाइमिंग देखिए भाई, मेहंदी लगा के रखना, टोली सजा के रखना, और ट्रॉफी उठाने आ गए भाई उड़ी नौगढ़ टीम के सजना, छक्के की हैट्रिक ठोक दीजिए।